प्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं हम। इसके कुछ लेक्चर ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने जो है पढ़ा था हम क्राइसोफाइट्स को हम पढ़ चुके हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर मेंबर्स जो है डेस्मिड और डायटम्स को पढ़ा हमने। फिर हमने जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा डायनोफ्लेजिलेट्स को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के थर्ड मेंबर यूग्लिनोड्स को। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि प्रोटिस्टा का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर हमने प्लांट्स और एनिमल्स जिन एनिमल्स के अंदर दोनों टाइप के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्लांट के भी और एनिमल के भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उन्हें हमने किसमें रखा है, प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। ठीक है, तो और हमने ये भी बात करी थी कि जैसे हमने कहा कि जो प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ एनिमल की तरह कैरेक्टर शो कर रहा है तो उसको भी किसमें रखते हैं हम, प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। इनमें डायनोफ्लेजिलेट्स हमने पढ़े तो उनमें प्लांट जैसे भी कुछ कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें किसमें रख दिया हमने, प्रोटिस्टा में रख दिया। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यूग्लिनोइड्स को। एंड यूग्लिनोइड्स जो जिसके अंदर क्या आता है मेनली यूग्लिना, और इसे हम कहते हैं कि यूग्लिनोइड्स जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। ठीक है, एक हमने कहा कि कनेक्टिव लिंक की तरह जो है यूग्लिना काम करता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है इसमें यूग्लिनोइड्स के जो है जनरल फीचर्स क्या होते हैं और उसमें प्लांट्स के कौन से कैरेक्टर्स मिल रहे हैं और एनिमल्स के कौन से कैरेक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यूग्लिनोइड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है यूग्लिनोइड्स का। तो हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हम इसकी जो है हैबिटेट के बारे में बात करते हैं कि यूग्लिनोइड्स जो है वो जनरली किसके अंदर मिलते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, वो मिलेंगे स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिलेंगे। स्टैग्नेंट का मीनिंग ये होता है रुके हुए पानी में। ठीक है, वो मिलते हैं यूग्लिनोइड्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं रुके हुए जो है पानी के अंदर फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमने कहा कि यूग्लिना जो है वो क्या है, कनेक्टिव लिंक होती है प्लांट्स और एनिमल के बीच की। ठीक है, एक बीच की योजक कड़ी है पादप और जंतुओं के। फिर हम कह रहे हैं कि जो यूग्लिना है इसके आउटर मोस्ट जो लेयर है आपको देखने को मिलेगी। तो हम कहेंगे कि यूग्लिना जो है इसके अंदर जो सेल वॉल है एब्सेंट होती है। ठीक है, यूग्लिना में क्या है सेल वॉल एब्सेंट मिलेगी, कोशिका भित्ति का अभाव होता है इसके अंदर। लेकिन इसमें इसका जो आउटर मोस्ट जो इसका कवरिंग है वो कैसे मिलती है, हम कहेंगे कि प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई इसके अंदर एक लेयर मिलती है जो कि इसको कवर करके रखती है यूग्लिनोइड को, और उसे हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं हम, पेलिकल। तो प्रोटीन का बना हुआ इसमें क्या मिलती है, एक कवरिंग मिल रही है इसमें पेलिकल के अंदर जो है ज्यादातर अमाउंट के अंदर तो मिलती है प्रोटीन ही, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट के अंदर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है किसकी बनी हुई होगी, पेलिकल की बनी हुई होती है। ठीक है, ये हमने बात करी कि ये क्या है, पेलिकल की लेयर है जो इसकी इसमें सेल वॉल की जगह ये काम करती है, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। ठीक है, जो पेलिकल जो होती है इसको एक नाम और दिया जाता है, इसे हम कहते हैं पेरिप्लास्ट। ठीक है, इसे बोल सकते हैं हम पेरिप्लास्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी कैसे जो आपने डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़े थे, डायनोफ्लेजिलेट्स में क्या मिल रहे थे, फ्लेजिला देखने को मिल रहे थे लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो गमनांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर फ्लेजिला होते हैं। इन फ्लेजिला की मदद से ये क्या करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करेंगे। तो फ्लेजिला यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक फ्लेजिला देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो डायग्राम बनाती है उसमें भी यूग्लिनोइड्स में आपको एक ही फ्लेजिला शो होता है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि यूग्लिनोइड्स के अंदर जो है वो दो फ्लेजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक फ्लेजिला बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो फ्लेजिला क्या हो, दो फ्लेजिला मिले और वो दोनों फ्लेजिला क्या हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, दोनों क्या हो, देखने में बिल्कुल डिफरेंट हो, तो इस टाइप के फ्लेजिला को हम कहेंगे हेटरोकॉट फ्लेजिला। तो यूग्लिनोइड्स के अंदर भी जो क्या मिल रहे हैं आपको, दो फ्लेजिला देखने को मिलते हैं, एक फ्लेजिला छोटा होता है जो कि जहाँ हमें बाहर से नहीं नजर आता है वो अंदर की तरफ ही होता है, और हमने कहा दूसरा फ्लेजिला जो है वो साइज में बड़ा होता है और बाहर नजर आता है।
टिंसल है, ठीक है। टिंसल फ्लैजुला जो है यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि इस फ्लैजुला के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब इतनी बात करी अपन ने, इसके आउटर कवरिंग के बारे में बात करी, इसमें नंबर ऑफ फ्लैजुला कितने, दो मिल रहे हैं, और हमने कहा कि फ्लैजुला कैसे है, हेट्रोगोन फ्लैजुला है, और सेकंड कि ये टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजुला इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं कि आपने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बीच की ये कनेक्टिव लिंक है, तो अब हमें क्या बेसिकली बात करनी है कि इसका देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अपन बात करें, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर कैसा मिलेगा, प्लांट भी जैसा भी मिलेगा और एनिमल जैसा भी मिलेगा, ठीक है। देखना, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी, जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के अंदर जो यूकेरियोट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के जो बने हुए क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये क्या करेंगे, प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि जब सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी उस कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में इसके अंदर हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर और मिलती है जो कि एकदम अपर स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर आपको एक माउंट जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। क्या है, हमने आप देखो एकदम सिंपल सी चीज है कि आप क्या कह रहे हो कि जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होगी तब तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड खुद बनाएगा, लेकिन जब सनलाइट नहीं है उस कंडीशन के अंदर ये एनिमल जैसा जो है न्यूट्रिशन देख हमें इसमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, जो जिस तरीके से एनिमल फूड को क्या लेते हैं, पहले उसका इंजेशन करते हैं फूड का और उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एनिमल के जिस तरह से एनिमल के अंदर माउथ मिलता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगी यूग्रीना के अंदर, इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे साइटोस्टोम, ठीक है। ये क्या होगा, साइटोस्टोम होगा, या आप इसे क्या कह सकते हो, साइटोफेरेंस, ठीक है। तो हमने कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर एनिमल जैसा होगा तो ये किसके थ्रू होगा, ये होगा यूग्रीनाइड्स के अंदर जो है माउथ प्रेजेंट है उसे आपने क्या कहा, साइटोस्टोम कहा या साइटोफेरेंस बोला, ठीक है। ये कब होगा, जब सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। अब एक चीज देखना, हमने कहा कि इसके अंदर दो फ्लैजिला मिलेंगे, ये फ्लैजिला जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये फ्लैजिला अंदर की तरफ से निकल रहा है और ये यहाँ पर आकर के जो है एक फूली हुई सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको फूली हुई सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यही से जो है क्या होते हैं, दोनों फ्लैजिला जुड़े हुए होते हैं। ये जो फूली हुई सी स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं पैरा फ्लैजिलर बॉडी, ठीक है, ये होती है पैरा फ्लैजिलर बॉडी, जहां से दोनों फ्लैजिला जो है वो जुड़े हुए होते हैं अंदर की तरफ। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक कैरेक्टर क्या मिला आपको, कि हमने कह दिया कि जो न्यूट्रिशन आपने देखा कि न्यूट्रिशन प्लांट जैसा भी है एनिमल जैसा भी है, यानी कि हमने कहा मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। फ्लैजिला के बारे में आपने कहा कि टिंसल हेट्रोकोन फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं, ये जिस पार्ट से जुड़े हुए हैं वो फुला हुआ पार्ट क्या है, पैरा फ्लैजिलर बॉडी है। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि एनिमल की जैसे, ठीक है, एनिमल की जैसे जो है इसके अंदर क्या मिलती है, एक रेड कलर का, आप कह रहे हो कि एक रेड कलर का यहाँ पर जो है एक आई स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक रेड कलर का जो है आई स्पॉट देखने को मिलता है। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसे या तो हम स्टिग्मा बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं आई स्पॉट, ठीक है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, रेड कलर का जो है यहाँ पे आपको एक आई जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो कि एनिमल का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये इस आई स्पॉट को आप क्या कह सकते हो, स्टिग्मा हम बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टिग्मा भी कहा जाता है, आई स्पॉट बोलते हैं। तो ये एक और एनिमल जैसा कैरेक्टर हमें देखने को मिला, माउथ डेवलप है इसके अंदर, साइटोफेरिंग्स डेवलप है इसके अंदर, जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर जो है फेरिंग्स मिल रहा है, आईज हमारे जैसे आईज होती है वैसे इसके अंदर यूरिना में क्या है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम स्टिग्मा भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या देगा और क्या हम बता सकते हैं इसके अंदर, हम कहते हैं परासरण नियमन। परासरण नियमन का मीनिंग ये होता है कि किसी एक सेल के अंदर अगर कोई, हम कह रहे हैं कि अगर किसी जल
सेल को जो है वो अंदर जाना है, ठीक है, या बाहर निकलना है। तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो है एक कोशिका जल का जो है अमाउंट जो है वो फिक्स रहना चाहिए हमेशा। अगर उस वो ज्यादा हो गया या कम हो गया तो हमें क्या जरूरत होगी, उसे बाहर निकालने की या अंदर लेने की जरूरत होगी। तो यूग्लेनाइट्स के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो परासर नियमन है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो फीचर मिलता है वो होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम्स, संकुचनशील, इसको रिक्तिका बोलते हैं, संकुचनशील रिक्तिका इसमें देखने को मिलती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम्स जो है वो क्या करेगी, अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसे सेल्स के बाहर भेज देती है, और अगर बाहर अमाउंट ज्यादा है तो उसे सेल्स के अंदर ले लेती है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसमें यूग्लेनाइट्स के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम्स के थ्रू होता है। इसके नेक्स्ट अगर अपन फीचर की बात करते हैं, हमने कहा कि इनके अंदर जो फूड स्टोर, आपने कहा कि जो इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, तो पहले हमने कहा क्लोरोप्लास्ट के थ्रू इसमें देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा प्लांट लाइक, या फिर हमने कह दिया कि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइटोफेरिक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, साइटोफेरिक्स देखने को मिल रहे हैं। साइटोफेरिक्स या साइटोस्ट्रॉम के थ्रू जो है एनिमल जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। फिर आपने कहा कि इनके अंदर जो फूड स्टोरेज है, अब फूड स्टोरेज बताओ किस फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फूड स्टोरेज जो है आपको ध्यान रखना है पैरा एनिमल बॉडी, ठीक है, पैरा एनिमल स्टार्च के बारे में बात कर रहे अपन कि जो यूग्लेनाइट्स है इनके अंदर फूड स्टोरेज जो होता है वो पैरा एनिमल स्टार्च के फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें मिलेगी आपको शुगर बीटा 1-3 ग्लाइकेन जो है वो शुगर शर्करा देखने को मिलती है। तो खाद्य जो फूड जो यहाँ पर भोजन जो संग्रहित हो रहा है वो पैरा एनिमल कण के फॉर्म में हो रहा है, और हमने कहा बीटा 1-3 ग्लाइकेन के रूप के अंदर आपको जो है खाद्य पदार्थ इसमें संचित मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी आपने बात करी इसके जो यूग्लेनाइट्स है इसके जनरल फीचर्स के बारे में बात करी है। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो है इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यूग्लेनाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा देखने को मिलेगा, तो देखिए हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है प्रजनन जो यूग्लेनाइट्स के अंदर है वहां पर आपको याद रखना है कि यूग्लेनाइट्स हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ऐसे करके अलैंगिक जनन करते हैं वो, कभी भी इनके अंदर जो है वो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, अलैंगिक जनन ही यूग्लेनाइट्स करेंगे। और वो भी अलैंगिक जनन ही वो किस रूप में करते हैं, तो फिशन, ठीक है, द्विविखंडन बाइनरी फिशन से ही क्या करेंगे, बाइनरी फिशन के थ्रू जो है यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, द्विविखंडन से होता है। तो यूग्लेनाइट्स जो है वो बेसिकली हमेशा क्या करते हैं, वो बाइनरी फिशन करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज यूग्लेनाइट्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि यूग्लेनाइट्स के अंदर जो आपको बाइनरी फिशन देखने को मिल रहा है वो हमेशा होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, वो कैसा होता है हमेशा लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि आपने कहा लंबवत जो है द्विविखंडन देखने को मिलेगा। ये जो आप एक्सिस देख रहे हो इस एक्सिस से, ये फ्लैजुला वाली एक्सिस से ही क्या होगा यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को हमें मिलता है। और इस तरीके से यूग्लेना जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और आपने कहा कि जब ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो डिवीजन होगा उस टाइम पे जो ये फ्लैजुला है ये भी क्या होगा डिवाइड होता है, तो फ्लैजुला वाले रीजन से जो है इसमें शुरुआत होती है बाइनरी फिशन की, जिसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, लंबवत द्विविखंडन देखने को मिलता है। तो ये थे अपने जनरल फीचर, हमने बात करी यूग्लेनाइट्स के बारे में, इसमें हमने सारे फीचर जितने भी आते हैं जो कैरेक्टर है सारे लक्षणों के बारे में हमने यूग्लेनाइट्स में बात करी। तो यहाँ तक जो है आपका, आपने कह दिया कि अभी तक हम प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स को पढ़ा हमने,